दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज देखिए, हम लोग एक एग्जांपल के साथ आपको दिखाने वाले हैं एक प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ कि कैसे आप भी चाहें तो इसका बिजनेस अपने एरिया में कर सकते हैं और एक अच्छा खासा मार्जिन जो है कमा सकते हैं। इसको हिंदी में चूड़ा बोलते हैं, यानी चावल से जो चीज़ बनती है, और हमारे यूपी बिहार में इसको दही के साथ खाया जाता है, और मध्य प्रदेश या राजस्थान चले जाइए तो इसको पोहा के रूप में बनाया जाता है और सुबह के नाश्ते में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो देखिए कितना अच्छा पैकेटिंग के साथ इसका जो बिजनेस है ऑनलाइन चल रहा है, काम चल रहा है। तो आज हम लोग ये भी बताने वाले हैं कि आप लोग भी अगर इसका ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, कहाँ से ख़रीद सकते हैं और क्या मार्जिन आप लोगों को रहता है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें लीगल जो पेपर आप लोगों को चाहिए होगा, जैसे मान लीजिए अगर आप इस तरह की कंपनी से जुड़ना चाहते हैं तो देखिए इसमें क्या होता है, फसाई का लाइसेंस जैसे आपको दिख रहा है, उसके साथ साथ आपको देखिए ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी दिख रहा है। देखिए जैसे इन्होंने ये फ्लिपकार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, वैसे ही सबसे पहले आपको अपना एक प्राइवेट लिमिटेड या प्रोप्राइटरशिप कोई भी आप कंपनी खोल सकते हैं। और कंपनी खोलने के बाद आप जो है इस तरीके से कंपनी खोल के आपको एक अपना GST लेना पड़ेगा, और GST लेने के बाद आपको अपना एक फसाई का लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और एक ट्रेडमार्क चाहिए होगा, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन सामान बेचिएगा तो आपको ट्रेडमार्क बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। बिना ट्रेडमार्क के वो लोग अपना कोई भी आपका सामान जो है मार्केट में अपडेट नहीं करता है या अपलोड नहीं करता है। तो आपको क्या करना है, एक नाम देना है, ब्रांड नेम जो अवेलेबल हो मार्केट में, फसाई का लाइसेंस करवाना है, और प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो तब भी चलेगा। उसके बाद ये जो देखिए, ये जो मटेरियल है, अभी देखिए इसको मैं एग्जांपल के साथ आपको दिखाता हूँ। इसका MRP देखिए कितना दिखा रहा है आपको, 99 रुपीज़ इसका MRP दिखा रहा है, और इंग्लिश में इसका नाम दिया है पोहा थिक बोल के। अब ये देखिए इसका जो है दो लगभग कम से कम फसाई नंबर है, दो जगह पे है, मतलब इसका ब्रांच दो जगह पे होगा या दो जगह पे पैकिंग होता होगा, इस वजह से दो जगह का फसाई नंबर है। आप जो बनाइएगा तो एक जगह ही आपका जहाँ का फसाई नंबर है वो दीजिएगा, पैकेट में इस तरीके से आपका एड्रेस रहेगा, ब्रांड नेम रहेगा, और जो भी इसका क्वालिटी है या मान लीजिए जितना, जैसे 1 kg का है तो आपको 1 kg देना पड़ेगा, MRP वगैरह इस तरीके से जो है बैच आपको लगाना पड़ता है। तो ये इस तरीके से आप बैच लगा के अपना पैकेट रेडी कर सकते हैं और ऑनलाइन मार्केट में आप भी चाहें तो इसको सेल कर सकते हैं। अब जैसे इसका प्राइस आपने देखा कि ऑनलाइन प्राइस इसका जो है 99 रुपीज़ पर kg दिखा रहा है, मगर ये MRP है, ये MRP पे अगर कोई ख़रीदता है तो फिर उसके लिए 99 है। अगर आप लूज मार्केट से भी, जैसे इसका सबसे ज़्यादा जहाँ पे भी मान लीजिए आपका धान ज़्यादा होता है वहाँ पे ये चीज़ मटेरियल आप आराम से हो सकता है। तो आपका क्या काम है, आप जो भी ऐसे मिल होते हैं जो ये चिवड़ा को बनाते हैं या पोहा थिक को बनाते हैं, तो मिल से आपको कांटेक्ट करना है, और मिल वाले आपको क्वांटिटी में, अगर आप क्वांटिटी में सामान लेते हैं 10 क्विंटल 20 क्विंटल या 5 क्विंटल इस तरीके से, तो आपको कम से कम ये जो है आपको 35 से 38 रुपये के आसपास आपको kg में मिल जाएगा। और उसके बाद आपको मान लीजिए ये प्लास्टिक का खर्चा है, ये पैकेटिंग का खर्चा है, आप GST बना रहे हैं, कंपनी बना रहे हैं, तो उसका खर्चा है। तो आप आराम से अगर ऑनलाइन सेल करते हैं मार्केट में तो भी, जैसे ये चीज़ 99 का है मगर ऑफ़र में ये 55 या 56 रुपीज़ में मिला है, तो आप भी इस तरीके से ऑफ़र दे दे के, मतलब मान लीजिए आपका सामान 40 रुपये में लगभग ये पूरा पैकेटिंग वगैरह खर्चा सब कुछ जोड़ लीजिए तो आपका तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद जो है आप इसको आराम से चाहें तो ऑनलाइन भी आप इसको मिनिमम 70-60 रुपये में बेच सकते हैं, और ऑफलाइन जो है जहाँ पे अगर मार्केट नहीं पहुँचा है तो वहाँ पे और भी ज़्यादा प्राइस में आप बेच सकते हैं। तो एक अच्छा बिजनेस है क्योंकि इसका यूज़ बहुत होता है सुबह के नाश्ते में, और इसका आइटम भी बनता है बहुत सारा। तो आप इस तरीके से चाहें तो अपना ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखिए इसका फसाई लाइसेंस नंबर है, और इसके लिए अगर आपको हमारी ज़रूरत हो, जैसे हम लोग ये फसाई का लाइसेंस, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना हो या प्रोप्राइटरशिप हो या मान लीजिए ट्रेडमार्क हो, ब्रांड रजिस्ट्रेशन करवाना हो, तो ये सारा काम हम लोग करके देते हैं। आप चाहें तो आराम से इंडिया के किसी भी कॉर्नर में हो, अगर इस तरह की कंपनी आप बनाना चाहते हैं तो आप हम लोगों से ख़रीद के पूरा लाइसेंस बनवा सकते हैं और अपना काम जो है, अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों, ये एक एग्जांपल के साथ हमने दिखाया, हमने बहुत सारा अभी लगातार वीडियोस बनाया है जिसमें ऐसे प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा दिखा के आप लोगों को बता रहे हैं ताकि चीज़ें आपको और भी अच्छी समझ में आ सकें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।